अहम खबर आपको दें, बानी पीटीआई ने आनी तरमीम की हिमायत करने की मुखालिफत कर दी है। बानी पीटीआई ने एक बार फिर मुल्क भर में एहतजाज करने का कह दिया है। बानी पीटीआई ने पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज करने का कहा है। बानी पीटीआई का आनी तरमीम में हुकूमत के साथ चलने से इनकार। मौजूदा हुकूमत के पास अवाम का वोट नहीं है, वो कोई तरमीम नहीं कर सकते। इसी बारे में मजीद बात करेंगे नुमाइंदा एबीएन न्यूज जाहिदा राव से। जी जाहिदा, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज जो है बानी पीटीआई से पीटीआई के जो है 5 रुकनी वफ्त की मुलाकात हुई और वहां पर आईनी तरमीम के मसौदे पर बातचीत जारी हुई, क्योंकि पीटीआई का कहना था जब तक बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं होती हम किसी भी मसौदे को नहीं मानते, किसी मसौदे पर हामी नहीं भरेंगे। तो आज बानी पीटीआई ने कहा है कि ये हुकूमत ही फॉर्म 47 की कोई तरमीम नहीं करते, किसी पर आवाम का वोट नहीं है, आवाम का मैंडेट नहीं है, तो इसलिए हम इस तरमीम को नहीं मानते। और अगर ये तरमीम होती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दी है और आवाम के सामने मुकदमा लेके जाने का कहा है। पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, हम इसको नहीं मानते के एहतजाज करेंगे। तो पीटीआई ने एक बार फिर जो है आईनी तरमीम की जवानी पीटीआई के हुक्म पर जो है मुखालफत कर दी है। और अगर कोई रुकन जो है इसमें शुमार होता तो उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फिर कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो बानी तहरीक इंसाफ ने सख्त जो हुक्म जारी किया कि अरकान महफूज रहे और अगर कोई नजर आया कि हमें मुलव्वस है तो फौरन जो है नोटिफिकेशन भी जो है शोकाज नोटिस भी जारी किया जाए। बानी पीटीआई का आईनी तरमीम में हुकूमत के साथ चलने से इनकार बल्कि एहतजाज की कॉल दी है। बहुत शुक्रिया इस हवाले से, जाहिदा राव बता रही थी।